से आए हैं, इसी कुंड के पानी से खीर बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अपने राजस्थान के चूरू जिले में स्थित जहार पीर श्री गोगाजी महाराज के जन्म स्थान कहे जाने वाले ददरेवा नामक गांव में इस स्थान को ददरेवा की पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है और इसी गांव में गोगाजी का जन्म हुआ था। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये है चूरू जिले का ददरेवा धाम। ये जहार पीर जहार वीर श्री गोगाजी का जन्म स्थान है। जी हाँ दोस्तों, यह मेड़ी चूरू जिले के ददरेवा नामक गाँव के अंदर राजगढ़ तहसील में बनी हुई है। राजगढ़ कहें या सादुलपुर तहसील में बनी हुई है और यही गांव जो है वो गोगा जी का जन्म स्थान रहा है। तो यहां गोगा जी के जन्म स्थान की वो हवेली भी बनी हुई है, वहां भी अपने चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जहर पीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। यह गोगा जी का मुख्य मंदिर कहें या मुख्य मेड़ी कहें, यह बनी हुई है। सामने की तरफ आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये गोगा जी की मुख्य मेड़ी है, इसके नीचे बना हुआ है। यहाँ करीबन हजारों साल पहले का एक जाल का वृक्ष है। कहते हैं कि उसके ऊपर मन्नत का धागा या नारियल बांधने से यहाँ हर मनोकामना जो है वो पूरी होती है। गोगा जी का धार्मिक स्थल जो है वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एकता का प्रतीक है। यहाँ कायम खानी मुसलमान जो हैं वो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से पूजते हैं, हिंदू जो हैं वो इनको गोगा जी महाराज जाहर वीर के नाम से पूजा जाता है। साथियों, गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। जहरीले जानवर या सांप के काटने पर गोगा जी महाराज की तांति बांधी जाती है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोगा जी की प्रसिद्ध मेड़ी है चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर। और यहाँ गोगा जी का जो जागरण है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो जात्रु कहलाते हैं। और यह गांव बिल्कुल छोटा सा है, इतना इसका डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ आने वाले लाखों जात्रुओं के लिए रहने खाने और सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप कभी भी चूरू जिले में आते हैं तो इस स्थान पर कभी भी आना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, पहले अपने अंदर की तरफ चलते हैं और श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। अपने नीचे की ओर आ गए हैं और सामने का यह मंदिर जो है वो गोगा जी महाराज का मुख्य मंदिर है। तो आप यहाँ जैसे ही इंटर करेंगे तो ये प्रवेश करने का मुख्य गेट है। यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों तरफ है मंडप बने हुए हैं, यानी कि काफ़ी विशाल एक बरामदा बना हुआ है दोनों साइड में, जहाँ पर आने वाले जात्रु जो हैं वो रुकते हैं। गोगा जी महाराज का यह मुख्य गेट जो है वो काफ़ी विशाल बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह गांव जो है वो गोगा जी की जन्म स्थली रही है, जिसे ददरेवा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जहर पीर श्री गोगा जी महाराज सांपों के देवता कहलाते हैं। उत्तर भारत में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। अब जैसे ही आप मुख्य गेट से अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ आपको एक प्राचीन जाल का बड़ा सारा पेड़ जो है वो आपको नजर आएगा, जो कि गोगा जी की मेड़ी के जस्ट सामने बना हुआ है। यहाँ सिर्फ गोगा जी का एक मंदिर नहीं है, ये जो है वो गोगा जी की मुख्य मेड़ी है। इसके अलावा भी जब आप अंदर के इस फोर में परिक्रमा मार्ग में जाएंगे तो अंदर की तरफ और भी 4-5 मंदिर बने हुए हैं।
साल पुराना ये पेड़ है और आप देखेंगे कि इसके ऊपर गोगा जी महाराज की पताका है और जगह जगह आपको जो है वो मोली के धागे भी बंधे हुए जो कि यहाँ के मंदिर नारियल भी आपको नजर आ रहे हैं। सामने ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मुख्य मंदिर है श्री गोगा जी महाराज का। सामने आपको जो बीच में प्रतिमा दिखाई दे रही है ये गोगा जी की मुख्य प्रतिमा है जो यहाँ पे उदाई से दिखाई गोगा जी की घोड़े पे सवार आपको प्रतिमा यहाँ बीच गोगा जी महाराज के मंदिर से करीब आप 300 मीटर आगे की ओर आएंगे तो ये बना हुआ है गोगा जी के गुरु श्री गोरखनाथ जी का मंदिर जिसमें आपको श्रृंखला में 5 मंदिर दिखाई देंगे। तो आइए अपने पहले इनके अंदर चलते हैं और श्री गोरखनाथ जी मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर आपको यहाँ की स्टोरी के बारे में बताएंगे। ददरेवा गाँव में जहाँ गोगा जी का जन्म स्थान है वहाँ पर गोरख टीले में है। ये पीछे की तरफ आपको जो जाने का स्थान दिखाई दे रहा है ये है गोरख टीला। यहाँ नौलखा बाग मुख्य रूप से यह गोरखनाथ जी की तपोस्थली है। कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने यहीं सालों तक तपस्या करी थी और माता बाच्छल को और काच्छल को पुत्र प्राप्ति की गोगा जी महाराज के जन्म आशीर्वाद है वो यहीं पर दिया था। तो आइए साथियों अपने अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ के महंत जी से यहाँ के नाथ जी से इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी को उनकी कहानी से रूबरू करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो के अंत तक। गोरख टिल्ला या गोरख टिक्का टिल्ला जिसे कहते हैं और नौलखा बाग जो है वो माना जाता है। तो ये सामने की तरफ है गोरख टिल्ला। तो अब अपने ये मंदिरों की जो श्रृंखला है इसमें दर्शन करेंगे और आप यहाँ देखेंगे तो वीडियो बनाओ यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो नज़र आएगी। आपको यहाँ पर भंडारा भी नज़र आएगा और सामने की तरफ है बड़े ही प्यारे मंदिर जो है वो बने हुए हैं। तो अपने अंदर की ओर चलते हैं पहले और यहाँ दर्शन करते हैं। ये नौलखा बाग या गोरख टिल्ला है गोगा जी के गुरु श्री गोरखनाथ जी की तपोभूमि जिसे कहते हैं। इसके पास में ये तालाब बना हुआ है वहाँ की एक बिल्कुल ही अभिन्न कहानी है उसकी भी अपने चर्चा करेंगे। पहले अपने गोरख टिल्ला के अंदर चलते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जाने के दो रास्ते बने हुए हैं। जब यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग इस रास्ते से जाते हैं और जब यहाँ से कम भीड़ नज़र आती है तो ये जो पीछे की तरफ रास्ता आपको नज़र आ रहा है इसी रास्ते से सीधे मंदिर के अंदर की तरफ जाएंगे। तो आइए साथियों पहले अपने आगे की ओर चलते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप देखेंगे कि यहाँ आपको भीड़ जो है वो मुख्य मंदिर के अपेक्षा ज़्यादा नजर आएगी क्योंकि यहाँ का परिसर बड़ा है। तो गोगा जी के सबसे पहले लोग दर्शन करते हैं और फिर यहाँ दर्शन करते हैं। एक प्राचीन जाल का पेड़ जो है वो बना हुआ है, हजारों वर्ष से प्राचीन पेड़ है और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ गोरखनाथ जी की तपोस्थली बनी हुई है। साथियों इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि गोरखनाथ जी ने यहाँ 1143 से 1155 तक घोर तपस्या की थी और कहते हैं कि उसके बाद में माता बाच्छल और माता काच्छल को यहीं पर वरदान दिया था और गोरखनाथ जी के वरदान से ही गोगा जी महाराज का जो जन्म जो है वो हुआ था। ये जो है वो गोरखनाथ जी की तपोस्थली जो आप कहेंगे इसे दूणा कहेंगे ये बना हुआ है। ये गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली है। गुरु गोरखनाथ जी की जय हो।
साथियों, ये वो मुख्य तपोस्थली है और आप यहाँ देखेंगे तो आपको पीछे की तरफ यहाँ चित्र भी बने हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी से माता बादशाह जो है वो आशीर्वाद ले रही हैं और आप देखेंगे तो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही और माता के गर्भ में गोगा जी का जन्म जो है वो हुआ था। यहाँ भी जो मुख्य मंदिर बने हुए हैं उनमें भी आपको एक जाल का पेड़ जो है वो नज़र आएगा। यहाँ ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है जो आपको सामने की तरफ दिखाई देगी और इस तरफ संतों की समाधियाँ जो है वो बनाई गई हैं और यहाँ और भी जो है वो नाथ जी के गोगा जी के मंदिर जो है नए स्वरूप में बनाए गए हैं। ये बिल्कुल नया स्वरूप आपको दिखाई देगा, बिल्कुल नए मंदिर ये जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर आपको भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई प्रसादी जो है वो नज़र माता बात्सल की गोद में यहाँ गोगा जी महाराज की प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। नीला घोड़ा जो है वो गोगा जी का अत्यंत प्रिय था तो उन्हीं की आप यहाँ प्रतिमाएं बहुत सारी देखेंगे और ये जो मुख्य प्रतिमा है वो गोगा जी महाराज की है। नौ नाथों का यह मंदिर जो है वो बनाया गया, आपको इसमें नौ नाथ जो है वो नजर आएंगे। साथियों, यहाँ गोरख किला जो है उसमें सभी मंदिरों को नवीन रूप दिया गया है। यहाँ पर उनके गुरु की, गुरुनाथ की, माता जी की, गोगा जी की और नवनाथों की सभी की प्रतिमाएं एक नवीन मंदिर के रूप में लगाई गई है। ये वही पत्थर है जो पानी में तैरता है, यहाँ उसका एक पत्थर जो लाया गया था ये वाला उस पक्षी में रखा गया है। पीछे की तरफ आप यहाँ जाल का पेड़ देख रहे हैं, जाल के पेड़ यहाँ स्थायित में है। मुख्य में गोगा जी का जो मंदिर था उसमें भी आगे जाल का पेड़ बना हुआ था, यहाँ भी दो तीन बने हुए और जितने भी स्थान हैं अब अपने तालाब की ओर चलेंगे तो वहाँ भी गोगा जी के तालाब के पास भी एक जाल का पेड़ बना हुआ है और गोगा जी की जो सवारी थी वो नीले घोड़े की थी। अब अपने आगे की ओर चलते हैं और गोगा जी की कहानी का आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये आप जो पीछे तालाब देख रहे हैं ऐसी मान्यता है कि इस तालाब के पानी और यहाँ की मिट्टी से लोग जो है वो चावल की खीर बनाते हैं और फिर गोगा जी महाराज को वह अर्पित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, खीर जो है वो दूध और चावल से बनाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो बाहर से आने वाले उनको पूर्विया कहा जाता है, वो यहाँ स्नान करते हैं इसमें पहले, इसी मिट्टी और पानी से और चावलों के माध्यम से मिक्स करके यहाँ खीर बनाई जाती है और फिर गोगा जी महाराज को अर्पित की जाती है और उसे प्रसाद के रूप में लोग जो है वो ग्रहण करते हैं। जैसा कि यहाँ के नाथ जी ने अपने को बताया था इस स्थान के बारे में कि यह जो कुंड है वो अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो पीछे की तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, ये राजस्थान से बाहर से आने वाले लोग हैं। साथियों, ये वाला जो कुंड है वो हालांकि थोड़ा सा साफ सफाई की दृष्टि से आपको कम नज़र आएगा क्योंकि इसका पानी भी थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा है और दूर इसके चारों ओर जो है वो एक एनिकट बनाया गया है जिसमें लोग उतर के स्नान कर सकते हैं। आपको वहाँ उस तरफ जो है वो स्नान करते हुए लोग वहाँ गेट के ऊपर दिखाई देंगे। प्रवेश करने के इसमें मुख्य रूप से तीन चार गेट बने हुए हैं जिसमें से दो ओपन, एक वो सामने वाला, एक इधर वाला गेट जो है वो बनाया गया है। ये पानी से जो है वो खीर बन रही है। जी हैं, वो दिल्ली से आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसी कुंड के पानी से खीर बना रहे हैं। जैसा कि महंत जी ने बनाया था, यहाँ मिट्टी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, ये पानी से और चावल के माध्यम से इसी पानी से लेके खीर बना रहे हैं और आप देखेंगे कि खीर का जो रंग है वो आपको सफ़ेद नज़र आएगा। ये दिल्ली से आए हैं, इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथियों, इस तालाब के चारों ओर आपको लोग जो है वो खाना बनाते हुए नज़र आएंगे। तालाब हालांकि काफ़ी बड़ा है। यहाँ की एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है यहाँ की अव्यवस्था और यहाँ का सफाई सिस्टम। आप देखेंगे ये मुख्य तालाब है, इसमें लोग नहाते हैं और लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी गंदगी आपको नज़र आएगी। ये गोगा जी महाराज ददरेवा स्थल का पवित्र कुंड है और पीछे आप देखेंगे कि तालाब जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसके किनारे जहाँ तहाँ आपको लोग खाना बनाते हुए लोग आपको पीले वस्त्रों में नज़र आ रहे हैं और यहाँ चारों ओर पीली पताकाएँ ही आपको नज़र आएंगी क्योंकि ये गोरखनाथ जी और गोगा जी को अर्पित की जाती हैं और यहाँ पर आपको भक्त जो हैं वो खीर बनाते हुए ये वाला स्थान जो आपको नज़र आएगा वो पूरा का पूरा यहाँ से तालाब जो है वो
चारों ओर नजर आएगा। इस तालाब की दोहरी सुरक्षा पेचीदा बनाई गई है, एक दीवार जो है वो अंदर की तरफ बनाई गई है और दूसरी दीवार जो है वो बाहर की तरफ बनाई गई, यानी ये जो दीवार आपको नजर आ रही है ये थोड़ी सी सुरक्षात्मक दीवार होगी। यहाँ महिलाएं वगैरह जब यहाँ स्नान करती हैं तो स्पेस दिया गया है, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पुरुष जो है वो उस तरफ स्नान कर रहे हैं, और तालाब जो है वो काफ़ी बड़ा है, चारों ओर से आपको पेड़ भी नजर आएंगे। तो आप कभी भी चूरू जिले में आते हैं तो इस स्थान पर कभी भी आना ना भूलें, और आने के लिए इसका मार्ग बड़ा सुगम है। मैं आपको बता दूं कि आप बाई ट्रेन अगर आना चाहते हैं तो सादुलपुर जंक्शन जिसे राजगढ़ कहते हैं बाई ट्रेन वहाँ तक आइए, उससे करीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित है ये, जो कि बीकानेर दिल्ली हाईवे के ऊपर है। तो आप बस से आना चाहते हैं तब तो सुगम मार्ग है, ऑन रोड है ये सीधा, और ट्रेन से आना चाहते हैं तो सादुलपुर जंक्शन आएँ और फिर यहाँ वहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है तो यहाँ आएँ। साथियों, ये था गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा का पवित्र कुंड जिसके आपने दर्शन किए और यहाँ की कहानी भी जानी। होप आप सभी को गोगा जी के इस पवित्र स्थान का यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, हमने गोगा जी महाराज के मुख्य मंदिर गोरखनाथ जी के टीले और यहाँ गोगा जी का जो जन्म स्थल जो हवेली बनी हुई है उन सभी के अलग अलग वीडियो बनाए हैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि एक साथ अगर वीडियो डालेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा भी रहेगा और आपको देखने में भी थोड़ा बोरिंग फील होगा, अतः आप उन सभी भागों को ज़रूर देखें और गोगा जी महाराज का जयकारा ज़रूर लगाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जाहर पीर श्री गोगा जी महाराज की जय हो, प्रणाम। इस स्थान पे यहाँ गोगा जी अपने घोड़े को बांधते थे और यहाँ गोगा जी घोड़े को घोड़े की ओर है वो बने रहे। ये गोगा जी महाराज की माता इसी चक्की से आज से करीब 1000 वर्ष पहले अटक।